हेलो दोस्तों, आज पहले फटाफट लेक्चर शुरू कर लेते हैं। आपका वेलकम करने में बिल्कुल भी टाइम ज़ाया नहीं करेंगे, क्योंकि वेलकम तो मेहमानों का किया जाता है। आप तो अब बन गए ना फैमिली मेंबर। क्या बात कर रहे हो, अभी तक नहीं बने हो? फटाफट जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का बटन हिट कीजिए, बन गए ना फैमिली मेंबर। इतना ईजी है। तो फटाफट अभी 5 सेकेंड लगेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तो आज के लेक्चर में मैं आपके लिए लेके आया हूँ, ये जो है चैप्टर अपना 3, उसका सेकेंड टाइप का न्यूमेरिकल। तो उसमें क्या करना होता है, अगेन फिक्स बीम होता है, इसके फिक्स्ड एंड पे मूवमेंट निकालने रहते हैं। बट अब इसमें मेथड अलग यूज़ करना है। पहले स्टैंडर्ड फॉर्मूलिस का मेथड था, अभी सेकेंड जो है यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, जो फर्स्ट प्रिंसिपल है उसका यूज़ करके इसके एंड पे फिक्स्ड एंड मूवमेंट निकालेंगे। अब फर्स्ट प्रिंसिपल मतलब क्या, उसके दो इक्वेशंस हैं, यानी एम ए प्लस एम बी इज इक्वल टू माइनस 2a अपॉन l, और दूसरा इक्वेशन है एम ए प्लस 2mb इज इक्वल टू माइनस 6ax अपॉन l स्क्वायर। तो ये सब एम ए मतलब फिक्स्ड एंड मूवमेंट एट a, एम बी मतलब फिक्स्ड एंड मूवमेंट एट b। अब a मतलब जो है वो मतलब मैं समझाऊंगा जब डायग्राम ड्रॉ करूंगा। फिर उसके बाद L मतलब पूरा स्पैन होता है, दैट्स इट। X का भी मतलब मैं डायग्राम में ही समझाऊंगा जब डायग्राम ड्रॉ करूंगा। तो फटाफट शुरू कर लेते हैं इसका सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि आपको फिक्स्ड एंड मोमेंट निकालना है और बेंडिंग मोमेंट ड्रॉ कर देना है। शुरू कर लेते हैं स्टेप 1 से। अब इसमें स्टेप 1 जो है वो है फ्री बेंडिंग मोमेंट निकालना। अब फ्री बेंडिंग मोमेंट निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस बीम को सिंपली सपोर्टेड बीम अज्यूम करना पड़ेगा। क्या करोगे आप, अज्यूम सिंपली सपोर्टेड बीम ए बी। ए बी को सिंपली सपोर्टेड मान लिया, ओके ठीक है, सिंपली सपोर्टेड मान लिया। तो यहाँ पे ड्रॉ भी कर लेते हैं, ये देखो कुछ इस प्रकार। इसके ऊपर लोडिंग है 9.6 किलो न्यूटन पर मीटर का ए बी। अब इसके नीचे जो जगह है वो डायग्राम के लिए छोड़ देते हैं और फ्री बेंडिंग मोमेंट यहाँ पे निकालते हैं। अभी फ्री बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम कहाँ पे होगी, सेंटर पे, क्योंकि यूडीएल को कन्वर्ट करूँगा पॉइंट लोड में तो सेंटर पे ही आएगा। तो क्या करेंगे, एम मैक्स ऐसा लिखेंगे। क्या होगा, जब UDL रहता है तो उसका मोमेंट WL² / 8 इस फॉर्मूला से निकाला जाता है। तो यहाँ पे W कितना है, 9.6 इंटू L कितना है, स्पैन 5 मीटर, इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8। अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे, फटाफट कैलकुलेट भी कर लेते हैं, 9.6 इंटू 5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू, इसका वैल्यू आ गया 30 किलो न्यूटन मीटर। हो गया 30 किलो न्यूटन मीटर। जैसे ही आपको मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू मिला, फटाफट इसका क्या करो, डायग्राम निकालो। कैसे होगा, ये देखिए पॉइंट मैंने ट्रांसफ़र किए ए और बी। अब एग्जैक्टली मिडल पे ये बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू मिला है, कितना है 30। चलो मैं इधर अज्यूम कर लेता हूँ और इधर लिख लेता हूँ 30। तो अभी UDL होता है तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं, कर्व से, बराबर ना। अगर पॉइंट लोड होता तो ऐसे ये स्ट्रेट ज्वाइन करता, बट ये UDL है तो देखो ऐसा कर्व्ड पैराबोलिक डायग्राम आएगा। दैट्स इट, बात ही ख़त्म हो गई इसकी। अब ये हो गया। अब इसके बाद सीधा आपको क्या करना है, आपको यूज़ करना है फर्स्ट प्रिंसिपल, स्टेप नंबर 2, यूज फर्स्ट प्रिंसिपल। ये लिखे नहीं लिखे एग्जाम में तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये जो है ना यूज फर्स्ट प्रिंसिपल। आप सीधा फर्स्ट प्रिंसिपल यूज किए तो भी कोई तकलीफ वाली बात है नहीं। तो फर्स्ट प्रिंसिपल क्या कहता है, ये देखिए एम ए प्लस एम बी इज इक्वल टू माइनस 2a अपॉन l होता है,
और दूसरा इक्वेशन बोलता है कि सर जी एम ए प्लस टू एम बी इज इक्वल टू माइनस सिक्स एक्स अपॉन एल स्क्वायर होता है। तो मैं अब क्या करूँगा, ये जो राइट साइड का है ना इसका वैल्यू निकालूंगा और ये दो इक्वेशन को साइमल्टेनियसली एकदम आराम से सॉल्व करूंगा। बट उससे पहले तो हमें ए पता होना चाहिए, एल पता होना चाहिए। एल तो खैर अपना 5 मीटर है, ए कितना होगा। अब ए मैंने आपको बोला था कि डायग्राम ड्रॉ करने के बाद समझाऊंगा, कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है इसमें। ये देखिए ए मतलब क्या होता है पता है, ये जो आपने फ्री बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम ड्रॉ किया ना उसका एरिया होता है। ये डायग्राम क्या है, पैराबोला है, इसका एरिया 2/3 ऑफ इसका बेस कितना है, ये 5 मीटर स्पैन है ना, तो इसका बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट ऐसा होता है। यानी 2/3 इंटू बेस क्या है 5 और हाइट क्या हो गया 30, खत्म। करो इसको कैलकुलेट, ये देखिए ओरली भी हो सकते हैं, 3 1 3 3 10 30, 10 5 50 52 100 मीटर स्क्वायर। नहीं इसको यूनिट नहीं लिखते, ए का वैल्यू है, बस ए का वैल्यू लिख देते इधर 100। ए मिल गया, अभी बचा क्या एक्स, एक्स भी हमें चाहिए तो एक्स को भी कैलकुलेट कर लेते हैं। अभी एक्स का मतलब समझते हैं, एक्स मतलब क्या होता है पता है, ये जो आपका डायग्राम बना है इसका सी जी का डिस्टेंस फ्रॉम लेफ्ट साइड। मैं रिपीट कर रहा हूँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये कि एक्स कैसे निकाला जाता है। तो एक्स जो होता है, ये जो आपका डायग्राम बना है फ्री बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम, इसके सी जी का डिस्टेंस फ्रॉम लेफ्ट साइड, फ्रॉम लेफ्ट साइड, दैट्स इट। यहाँ पे चाहिए तो लिखता हूँ मैं, सी जी डिस्टेंस ऑफ फ्री बी एम डी फ्रॉम लेफ्ट, ये बहुत ज़रूरी बात है, लेफ्ट से लेना है। तो कितना होगा इसका सी जी डिस्टेंस, ये तो सिमेट्रिकल डायग्राम है ना, तो इसका हाफ पे होगा, बेस 5 है उसके हाफ, यानी एक्स इज इक्वल टू 5/2 यानी 2.5 इतना मिल गया। 5 का 1/2 होता है, इसलिए डायरेक्टली मैंने वहाँ पर लिख दिया। अभी क्या करेंगे, इन वैल्यूज़ को इक्वेशन में पुट कर देंगे। पहला इक्वेशन था एम ए प्लस एम बी, एम ए प्लस एम बी इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू एरिया का वैल्यू 100 डिवाइडेड बाय एल, एल का वैल्यू 5, स्पैन 5 का है ना, तो 5 पुट कर दिया। देयरफोर एम ए प्लस एम बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये देखिए 100 2 200 डिवाइडेड बाय 5 यानी माइनस 40, ठीक है हो गया। अभी इसके बाद इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दो। अब इक्वेशन नंबर जो ये है एम ए प्लस टू एम बी, इसमें वैल्यू पुट करेंगे, एम ए प्लस टू एम बी इज इक्वल टू माइनस 6 ए एक्स, ए का वैल्यू 100 एक्स का वैल्यू 2.5 डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर, एल स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर। इसको करना पड़ेगा कैलकुलेट, फटाफट कर लेते हैं। क्या है 6 × 100 × 2.5 / 5 / 5 तो ये 60 आ जाएगा। देयरफोर एम ए प्लस टू एम बी इज इक्वल टू माइनस 60, ये इक्वेशन नंबर 2 मिल गया। तो अभी देखिए एकदम काम सिंपल बन गया, जो 10वीं में हम करते थे ना साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करते थे वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ करना है। क्या करो, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 माइनस कर दो। देयरफोर इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, आप 1 में से भी 2 कर सकते हो, आपकी मर्जी है, आंसर वही आएगा। इक्वेशन 2 जो है यहाँ पे है एम ए प्लस टू एम बी इज इक्वल टू माइनस 60, इसमें से माइनस क्या करना है, पहला इक्वेशन एम ए प्लस एम बी
इज इक्वल टू माइनस 40 करते हैं। mm से ma गया, कुछ नहीं बचा। 2 MB से 1 MB गया, 1 MB बचा। अभी देखो, हाँ इसका कैलकुलेशन बहुत ध्यान से करना, क्योंकि यहाँ पे गलतियाँ होती है। इसका मतलब क्या हुआ पता है, माइनस 60 में से माइनस 40, यानी ये कैलकुलेशन ऐसा हो गया, माइनस 60 माइनस 40। तो ये क्या हो जाएगा पता है, ये माइनस 60 माइनस इंटू माइनस प्लस 40, यानी इसका आंसर माइनस 20 आएगा। कैल्सियम करके देखना, माइनस 20 मिल गया MB। यूनिट भी इसका लिख लेना, किलो न्यूटन मीटर, दैट्स इट। MB तो मिल गया, अभी बचा MA। MA कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, एक मिनट हो, ये MB जो है, MB का वैल्यू इसमें पुट कर दो, इक्वेशन नंबर 1 में मिल जाएगा MA। तो देखो, MA प्लस MB का वैल्यू माइनस 20। तो इसको संभल के पुट करना वैल्यू को, माइनस प्लस क्या है, इजी है, इज इक्वल टू माइनस 40। तो ये प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, उधर जाके प्लस हो जाएगा। देयरफॉर MA इज इक्वल टू ये माइनस 40, ये इधर जाके प्लस 20 हो गया। देयरफॉर MA इज इक्वल टू माइनस 20। यूनिट इसका किलो न्यूटन मीटर, मिल गया MA का भी आंसर। एक बार आपको फिक्स्ड एंड मोमेंट्स मिल गए, MA और MB, उनका क्या करो, वैल्यूज़ यहाँ पे डायग्राम में पुट कर देना। अभी क्या करेंगे हम, MA और MB का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, वो भी अपवर्ड साइड ही पुट करना है, 20 ना, तो अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे 20, यहाँ पे 20, डन, एक ही लेवल पे आएंगे, दैट्स इट, हो गया आपका BMD। आई होप आप सभी को ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। इसमें ज़्यादा कुछ हैरानी वाली बात या डिफ़िकल्ट बात है ही नहीं। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट रहेगा तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल मेंशन करिए, मैं कोशिश करूँगा कि उसका सॉल्यूशन नेक्स्ट लेक्चर में लेके आए। कर लो एक दो और सम, प्रैक्टिस कर लो, आपका एग्ज़ाम का तैयारी अच्छे से हो जाएगा। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।